मधेपुर प्रखंड में प्रमुख पद को लेकर पिछले कई महीनों से चल रहा उठापटक शुक्रवार को खत्म हो गया। बसीपट्टी पंचायत के पंचायत समिति सदस्य गायत्री देवी प्रखंड प्रमुख उपचुनाव में निर्विरोध निर्वाचित हुई। पूर्व प्रमुख राधा देवी सहित 11 पंचायत समिति सदस्यों ने उपचुनाव में हिस्सा नहीं लिया। बता दें कि पिछले साल के अंत में तत्कालीन प्रमुख राधा देवी के विरुद्ध पंचायत समिति सदस्यों द्वारा एक तरफ अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने की चर्चा थी, तो दूसरी तरफ तत्कालीन प्रमुख राधा देवी अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने से कतराते हुए अनुमंडल पदाधिकारी को अपना त्याग पत्र देने की घोषणा कर चुकी थी। तत्कालीन प्रमुख राधा देवी का त्याग पत्र होगा या उसे अविश्वास के जरिए पद से हटाया जाएगा, इस बात की काफी दिनों तक गहमा गहमी बनी रही। इसी बीच तत्कालीन प्रमुख गुट के सदस्यों द्वारा उप प्रमुख के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। फिर तत्कालीन प्रखंड प्रमुख राधा देवी ने नाटकीय ढंग से अनुमंडल पदाधिकारी को दिए गए त्याग पत्र वापस ले लिया और विरोधी गुट के सदस्यों द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने के लिए तैयार हो गई। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आयोजित विशेष बैठक में चर्चा के उपरांत मत विभाजन में तत्कालीन प्रमुख राधा देवी अविश्वास के विरुद्ध जरूरी मत लाने में विफल रही। उनके विरुद्ध लाया गया अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया और तत्कालीन प्रमुख राधा देवी को प्रखंड प्रमुख का पद छोड़ना पड़ा। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार आज नए सिरे से प्रखंड प्रमुख चुनाव को लेकर उपचुनाव कराया गया। कुल 21 पंचायत समिति सदस्यों वाले मध्यपुर प्रखंड में फिलहाल एक पद रिक्त है। वर्तमान के 30 पंचायत समिति सदस्यों में 19 सदस्यों ने आज प्रखंड प्रमुख उपचुनाव में हिस्सा लिया। पूर्व प्रमुख राधा देवी सहित 11 सदस्य उपचुनाव में शामिल नहीं हुए। जिलाधिकारी द्वारा अधिकृत अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी झंझारपुर नारायण पांडेय की देखरेख में उपचुनाव की प्रक्रिया पूरी की गई। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत उपचुनाव में शामिल हुए 19 सदस्यों में प्रमुख पद के लिए एकमात्र गायत्री देवी द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किया गया और इस तरह से गायत्री देवी निर्विरोध प्रमुख पद पर निर्वाचित घोषित हुई। नए प्रखंड प्रमुख के रूप में गायत्री देवी के नाम की घोषणा होते ही प्रखंड कार्यालय परिसर के बाहर खड़े समर्थकों ने जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया। आज 12 बजे से प्रमुख पंचायत समिति मधेपुर की निर्वाचन की सूचना दी गई थी और उसमें 12 बजे तक कुल 19 सदस्य उपस्थित हुए थे। तो आयोग का निर्देश है कि 1 घंटा तक इंतजार करना है और कुल 30 सदस्यों में से 19 सदस्य उपस्थित होने के कारण हम लोग ने आयोग के निर्देशानुसार 1 घंटा तक इंतजार किया। 1 बजे तक भी 19 ही सदस्य उपस्थित रहे। 1 बजे के पश्चात हम लोग ने निर्वाचन संबंधी कार्रवाई प्रारंभ कर दी और उसमें मात्र एक नामांकन पत्र प्राप्त हुआ। गायत्री देवी का नाम था, उसमें एक प्रस्तावक थे और एक उनके समर्थक थे और उस नॉमिनेशन पेपर में सभी कागजातों की समीक्षा की गई तथा उसको वैलिड घोषित किया गया और एक नामांकन पत्र प्राप्त होने के कारण निर्विरोध निर्वाचन श्रीमती गायत्री देवी को घोषित किया गया तथा प्रमुख पद पर विजयी घोषित किया गया एवं उन्हें प्रमाण पत्र देते हुए पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।